कॉलेज के छात्रों के साथ हुई खौफनाक सच्ची घटनाएं। यह कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में हुई घटना के बारे में है। मानो या ना मानो, लेकिन इस कैंपस में मुझे भूत प्रेत होने के कई सारे किस्से सुने को मिल रहे हैं। इसी ही एक घटना के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 के एक छात्र निकुंज बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक जोर से भयानक आवाजें सुनाई देने लगी और उसी आवाज के कारण मैं जाग उठा और मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मुझे लगा कि हवा के कारण खिड़की या दरवाजा आवाज कर रहे हैं। वहीं पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और साथ में यह भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखून खिड़की पे घिस रहा है। जब मैंने दूसरे दिन यह बात की जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि 9 साल पहले एक छात्र अरुण ने आत्महत्या की थी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी रूम में घूम रही है और इस बात की पुष्टि कई छात्रों ने की है। ऐसी ही एक दूसरी घटना, यह घटना सन 1998 की उसी हॉस्टल की है और यह बात की जानकारी उसी कॉलेज के एक ग्रुप ने बताई थी। अभिजीत करके एक विद्यार्थी, उसे एक कुत्ते को अपने रूम में पाल रखा था, लेकिन कुछ कारण से उस कुत्ते की मौत हो गई ही। अभिजीत उस कुत्ते को लेकर पास के जंगल में दफनाने के लिए गया या वापस आकर अपने रूम में जाकर सो गया या फिर कभी उठा ही नहीं। अभिजीत की मौत कैसे हुई वो आज भी एक रहस्य है। ऐसी ही रहस्यमय घटना के कारण उस कॉलेज के छात्रों में डर बैठ गया है और ऐसी ही सत्य घटनाएं उस कॉलेज में बार बार होती रहती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तर दिशा की और करीबन 2 किलोमीटर दूर इंद्रप्रस्थ एक लेडीज कॉल एज है। कुछ समय पहले कॉलेज की एक विद्यार्थिनी सोनल मजाक मजाक में आत्माओं को बुलाती है। सिक्के के जरिए वो आत्मा आतो जाती है, लेकिन 2-3 दिन तक वो आत्मा रूम से निकलने का नाम नहीं लेती। सोनल के कारण वो आत्मा कई छात्रों को हैरान परेशान करती है। बाद में सोनल उस आत्मा से माफी मांगती है कि वो वहां से चली जाए। माफी मांगने के 2 दिन बाद वो आत्मा वहीं से खुद वापस चली जाती है, लेकिन सोनल की हरकत के कारण उसे कॉलेज जैसे निकाल दिया जाता है। ऐसे ही जो लोग रात को देर तक पढ़ाई करते हैं उसे कभी न कभी भूतों का सामना करना ही पड़ता है। उन सभी को ऐसी ही अदृश्य शक्ति के होने का एहसास होता रहता है।